जनसंपर्क अभियान में सिमरिया कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा का वायदा, सरकारी राशि की एक एक पाई का अब होगा सदुपयोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने कहा है कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला तो सरकार की ओर से विकास के लिए आने वाली राशि की एक एक पाई का सदुपयोग किया जाएगा। वो आज बरा मझी गवा खमरिया समेत आधा दर्जन गांव में जनसंपर्क करते हुए लोगों से कांग्रेस के पक्ष में समर्थन देने की अपील कर रहे थे। विभिन्न गांव में आयोजित कार्यक्रमों में जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वो जहां भी जा रहे हैं लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में विकास की गतिविधियां ठप हो गई हैं। लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि सरकारी राशि का दोहन सरकार के नुमाइंदों के इशारे पर किया गया है। इस मामले में कई जगह जब लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाए तो उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि अगर आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो मैं वायदा करता हूं कि पूरे सिमरिया क्षेत्र को भय भ्रष्टाचार और आतंक से मुक्ति दिलाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से विकास के लिए आने वाली राशि की एक एक पाई क्षेत्र के विकास में ही खर्च होगी, विधायक निधि का सदुपयोग किया जाएगा। पिछले 15 महीने की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक एक वचन को पूरा करने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से सरकार पूरे 5 साल चल नहीं पाई थी। इस बार पूरे प्रदेश में कांग्रेस की और कमलनाथ की लहर है। कांग्रेस ने जो 11 वचन दिए हैं वो पूरे किए जाएंगे। पूरे प्रदेश के साथ सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में खुशहाली का माहौल बनेगा। इस दौरान जगह जगह कांग्रेस प्रत्याशी का स्वागत भी हुआ। बताया गया है कि सिमरिया प्रत्याशी अभय मिश्रा का धुआंधार प्रचार अभियान अब जोर पकड़ चुका है। मजा मानते हैं आप? लहर है, लहर है। ये किसकी लहर है? बदलने की बुरी तरह से। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक क्यों टिकट न मिलने की लोगों को उम्मीद थी, पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अहंकार का परिचय दिया उससे लोग बहुत नाराज हैं। और हमारे विरोधी पूरी सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50% भाजपा, आज की डेट पे भाजपा छोड़ के कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं? एकदम लहर है। मैं जाता हूं, आपको खुद समझ में आ रहा होगा मैं ज्यादा क्या विकास के बड़े दावे कर रही है। मेरे प्रभारी प्रताप भानु जी आए हुए, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है, मुझे थोड़ा क्षमा करिए। भाजपा विकास के बड़े दावे कर रही है, आप क्या मुद्दा लेके मैदान में उतरेंगे? क्या भाजपा क्या विकास के दावे कर रही है? 20 साल से जो कर रही वही कर रही ना, जो सिस्टम है। अब कमलनाथ जी वाला देख लीजिए, 5 सड़ा क्यों, घोड़ा आड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, क्योंकि पलटी नहीं गई। जनता इस बार पलट के देखना चाहती है कि दूसरी तरफ भी क्या। द खबरदार से विजय तिवारी की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।